अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सुबह का समय हो गया, यहाँ पर उठ गए। आज का ब्लॉगिंग में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास शेयर करेंगे। अगर मेरा ब्लॉगिंग चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम ब्लॉगिंग चैनल में किचन टिप्स लेके आए हैं, बहुत ही किचन का काम आने वाला है और बहुत ही किचन का पैसा बचत होने वाला है। समय और पैसा आपका दोनों बचत होगा। चलिए यहाँ पर हम पहला टिप्स दिखा रहे हैं ताला लेकर के। ताला बहुत दिन से रखा हुआ था तो सोचे हम एक छोटा सा टिप्स बना करके हम आप लोग के पास शेयर करेंगे। यहाँ पर हम ताला को कैसे साफ़ करेंगे दिखाते हैं आप लोगों को। ना यहाँ पर हम सर्फ ना साबुन कुछ चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक कोलगेट लेंगे, कोलगेट के यहाँ पर हम ताला में अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक थोड़ा सा कोलगेट से ही आपका ताला एकदम चमक आ जाएगा। और कितनों दिन का पुराना अगर ताला है तो आपका अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कोलगेट देने के बाद 10 से 15 मिनट छोड़ दिए थे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रश को भिगा लिए है और अच्छी तरह से यहाँ पर हम ब्रश से घीचेंगे ताला को। और देखिए कितना अच्छी तरह से क्लीन होने लगा है। यहाँ पर नहीं आपका सर्फ और नहीं साबुन न कोई चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा और नहीं एक पैसा खर्च होगा। थोड़ा सा कोलगेट से ही आपका ताला एकदम चमक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम ताला को अच्छी तरह से क्लीन कर रहे हैं। देखिए किस तरह क्लीन होने लगा है। थोड़ा सा घिसने से ही आपका ताला एकदम चमक आ जाएगा। कितनों दिन का पुराना अगर ताला है आपका पास तो एकदम अच्छी तरह से क्लीन भी आ जाएगा और आपका ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों साइड अच्छी तरह से ब्रश से हम घिस लेंगे। सब यही वाला टिप्स आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वाला टिप्स आप लोग का कैसा लगा। अब यहाँ पर हम ब्रश से अच्छी तरह से घीच लिए। देखिए ब्रश भी कितना गंदगी हो गया है और मेरा हाथ भी कितना गंदगी निकल गया है। जितना दिन का रहेगा ताला पुराना आपका तुरंत यहाँ पर चमक आ जाएगा, एकदम नया जैसा ताला चमक आ जाएगा। देखिए इतना सही कोलगेट में मेरा ताला अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। थोड़ा सा और हम पानी भिगा करके अच्छी तरह से घीच लेंगे। ज़्यादा यहाँ पर पानी नहीं देना है ताला में, काहे कि बरसात का मौसम है। इसीलिए अगर पानी दे करके अगर साफ़ कीजिएगा तो ताला जंग भी लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा कोलगेट लिया, ब्रश को हल्का सा भिंगा करके यहाँ पर हम घीस लिए हैं। अब देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर क्लीन हो गया है। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं कपड़े में साफ़ करके किस तरह मेरा यहाँ पर ताला अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। अब यहाँ पर हम एक सूखा कपड़ा लेंगे, कपड़ा को भिंगाना नहीं है, सूखा कपड़ा से हम अच्छी तरह से ताला को हम पोंछ लेंगे। दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए कितना अच्छी तरह से चमक आ गया है। लग रहा है एकदम नया ताला हम खरीद करके लाए हैं मार्केट से, एकदम उसी तरह मेरा यहाँ पर साफ़ होकर के तैयार हो गया है। जब भी आपका ताला इस तरह करके हो जाएगा तो आप थोड़ा सा कोलगेट दीजिए और साफ़ कीजिए, एकदम चमक आ जाएगा। लगेगा एकदम नया मार्केट से खरीद करके लाएँ, एकदम उसी तरह चमक आ जाएगा। देखिए कितना अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। यहाँ पर हम कुछ नहीं डाले हैं, थोड़ा सा कोलगेट डाल करके हम अच्छी तरह से क्लीन कर लिए। ये वाला टिप्स अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते। अक्सर क्या होता है, बारिश का सीज़न है, बारिश का सीज़न में बहुत सारा मक्खी मच्छर कॉकरेज वगैरह बहुत सारा आता है। यहाँ पर हम मोर्टिन का एक खाली डब्बा लेंगे, उसको हम क्या करेंगे दिखाते हैं। मोर्टिन का खाली डब्बा और मशीन दोनों का ही ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर हम मोर्टिन का जो खाली डब्बा है उसको हम बंद कर देंगे। देखिए इसी में हम सेट कर देंगे। यहाँ पर लिक्विड नहीं है, बिना लिक्विड का यहाँ पर हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे दिखाते हैं। एक भी आपका मच्छर नहीं रहेगा और नहीं मक्खी रहेगा और नहीं कॉकरेज वगैरह रहेगा। आपका बार बार मार्केट जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा लिक्विड ख़रीदने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या डालेंगे दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर हम एक कपूर डालेंगे। अगर इस तरह करके एक कपूर डाल दीजिएगा और पलक में लगा दीजिएगा। इसका सीज़न में बहुत सारा मच्छर घूमता है, छोटा छोटा मच्छर रहता है तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं दवा खरीदते खरीदते। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा घर का जुगाड़ लगाएं, बहुत ही आपका काम आएगा और आपका पैसा भी बचत हो जाएगा। यहाँ पर एक कपूर हम डाले हैं और डालने के बाद पलक में लगा दिए हैं। जैसे जैसे मशीन गर्म होगा वैसे वैसे यहाँ पर कपूर भी अपना काम करना शुरू कर देगा और बहुत ही अच्छी तरह से घर में खुशबू भी आएगा, एक भी मच्छर नहीं रहेगा और आपका बहुत सारा पैसा भी बचत हो जाएगा। ये वाला घर में हम पहले आजमाएं फिर हम आप लोग के पास शेयर किए हैं। छोटा सा एक टिप्स बना करके सोचे हम आप लोग के पास शेयर करेंगे, ज़रूर आप लोग का पसंद आएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों।
आप लोग लाइक करते कमेंट करते तो बहुत ही अच्छा लगता है, लगता है मेरे साथ एक परिवार जुड़ गया। उसी तरह अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक बोतल लिए हैं, देखिए कोई भी बोतल आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा बोतल लिए हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोतल को हम दिखाते हैं। ज़्यादा बड़ा बोतल का ज़रूरत नहीं, छोटा सा बोतल रहेगा तो भी अच्छी तरह से काम बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम बोतल को जो पीछे वाला पार्ट है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम सब में कटिंग कर लेंगे। जितना भी यहाँ पर बोतल का जो छोटा छोटा उठा हुआ है वहाँ पर हम सब कटिंग कर लेंगे। देखिए हम इस तरह करके हम कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दिखाते हैं। अक्सर क्या होता है बारिश का सीज़न में झाड़ू हम लोग लगाते हैं तो फिर बहुत ही जल्दी झाड़ू ख़राब हो जाता है, पानी वगैरह भींगता है तो, चाहे झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो बहुत ही हाथ में चुभता है, ये जो तार का बना हुआ रहता है तो उसमें बहुत ही दिक्कत होता है। तो यहाँ पर हमें घर का जुगाड़ बना करके हम आप लोग के पास शेयर करेंगे। ज़रूर ये वाला टिप्स आप लोग का पसंद आएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम तार को हटा लिए हैं, झाड़ू को हम अच्छी तरह से यहाँ पर हम साफ़ कर लेंगे। जितना भी छोटा छोटा है सब हम हटा लेंगे। देखिए इतना सारा छोटा छोटा अंदर में दिया हुआ रहता है, ये सब हम साइड कर लेंगे, इसका ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम झाड़ू को अच्छी तरह से हम क्लीन कर लेंगे। उसका बाद यहाँ पर हम दिखाते हैं किस तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे। वीडियो में बना रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तब जाके आप लोग को पता चलेगा यहाँ पर हम झाड़ू को क्या करेंगे। क्या होता है जब भी हम लोग का छोटा हो जाता है झाड़ू तो हम लोग साइड में कर देते हैं, लेकिन कितना छोटा आपका रहेगा झाड़ू तो बहुत ही आसानी से आपका घर में इस्तेमाल हो जाएगा और नहीं आपका बार बार झाड़ू खरीदने का भी ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बोतल को जो कट किए हैं, अब यहाँ पर हम जितना भी यहाँ पर हम होल बनाए सब हम एक एक करके यहाँ पर हम झाड़ू को इस तरह करके हम डालेंगे। पूरा जितना भी होल किए सब में हम डालेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से झाड़ू बन करके तैयार हो जाएगा। कभी क्या होता है जब छोटा हो जाता है झाड़ू तो हम लोग साइड में रख देते हैं, लेकिन छोटा होने के बावजूद बहुत ही अच्छी तरह से आपका किचन का काम आएगा। झाड़ू आपका फेंकने का भी मन नहीं करेगा, इतना सुंदर यहाँ पर जुगाड़ बन करके तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जितना भी हम होल किए थे सब यहाँ पर हम झाड़ू को घुसा लिए हैं। चीज का फायदा है, एक तो बारिश का सीजन में आपका झाड़ू भीगेगा नहीं, और एक तो छोटा है झाड़ू, यहाँ पर लंबाई भी हो जाएगा और आपका झाड़ू भी आसानी से लग जाएगा और आपका किचन का भी काम आ जाएगा और आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। अगर किचन का पैसा बचाना है तो छोटा सा चीज़ में अगर ध्यान दीजिएगा तब बहुत सारा किचन का पैसा भी बचत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम गैस चालू करेंगे और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर एकदम सोलो रखना है, और सोलो रखने के बाद हल्का हल्का यहाँ पर बोतल को इस तरह करके सेकना है, जैसे एकदम अच्छी तरह से झाड़ू में चिपक जाएगा और खुलेगा भी नहीं, इतना सुंदर मजबूत बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिए हैं और अच्छी तरह से यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम कॉटन का कपड़ा से अच्छी तरह से यहाँ पर हम दबा लिए हैं। कॉटन का ही कपड़ा लीजिएगा, टेरी कॉटन का कपड़ा नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर इस तरह करके दबाना है, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आपका बोतल दब जाएगा झाड़ू में। हल्के हाथों में अगर दबाइएगा झाड़ू तो आपका झाड़ू एकदम मजबूत हो जाएगा, एकदम नया जैसा बन जाएगा और एक भी झाड़ू खुलेगा नहीं। अब कितनों दिन झाड़ू को चलाइएगा तो बहुत दिन तक आपका चलेगा, और ना ही आपका बारिश में पानी में भीगेगा, और ना ही आपका झाड़ू टूटेगा, और ना ही आपका हाथ में चुभेगा। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर जुगाड़ बन करके तैयार हो गया है। ये छोटा सा टिप्स आप लोग का ज़रूर पसंद आएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम झाड़ू लगा करके भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह झाड़ू लग रहा है, कितना सुंदर यहाँ पर झाड़ू लग रहा है। ये वाला एकदम बेकार झाड़ू था, फेंका हुआ था, तो सोचे हम एक छोटा सा टिप्स बना करके हम आप लोग के पास शेयर करेंगे, ज़रूर आप लोग का पसंद आएगा। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर घर का जुगाड़ बन करके तैयार हो गया, झाड़ू भी बर्बाद नहीं हुआ और मेरा काम में आ गया है किचन का। इसका सीजन में बहुत ही जल्दी झाड़ू सड़ जाता है पानी जब मिलता है तो अगर इस तरह करके अगर बनाइएगा तो आपका झाड़ू सालों साल चलेगा। ये छोटा सा टिप्स जरा सा भी आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सोनी होम ब्लॉग चैनल में। फिर हम इसी तरह टिप्स लेकर के आएंगे।